हेलो गाइस गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं एसएस 6.3 का क्वेश्चन 15। बस क्वेश्चन 15 करा रहा हूँ आज मैं, इससे पहले तक के सारे हो चुके हैं। वैसे क्वेश्चन 14 जो है ना, वो क्वेश्चन 14 आप एक बार मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे भेज देना, क्योंकि क्वेश्चन 14 जो है ना वो मेरी बुक में या तो मेरे को लग रहा है गलत दिया हुआ है और थोड़ा कटा भी हुआ है। ठीक है, एक बार मेरे कोई बच्चा फेसबुक पेज पे मेरे भेज दे वो क्वेश्चन 14। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 13 तक मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 बस रह गए हैं, ये दो करा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है हमारा, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। देखो गाइस, वर्टिकल होता है हमारा ऐसे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। ठीक है, जो लेटा वाला होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। कह रहा है कि एक वर्टिकल वर्टिकल पोल है, तो मैंने वर्टिकल पोल बना लिया। कह रहा है उसकी लेंथ है 6 मीटर, तो मैंने उसको 6 मीटर कह दिया। ठीक है, कह रहा है कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। जैसे कोई पोल है, ठीक है, ये कोई पोल है, ठीक है, उसकी शेडो भी तो होगी। जैसे इसकी इस साइड यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो इसकी यहाँ पे ऐसा कोई शेडो भी तो बन रही होगी। ऐसे करके हमारी भी बनती है, सबकी बनती है, तो इसकी मैंने मान लिया ऐसे शेडो बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सन है, तो इसकी शेडो बन रही होगी कुछ ऐसे। तो कह रहा है कि वो शेडो बन रही है 4 मीटर, मैंने 4 मीटर कह दिया उसे। ठीक है, 4 मीटर शेडो बन रही है। और ऐसे ही फिर कह रहा है कि लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, कह रहा है उसी सेम टाइम पे एक और टॉवर है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो कास्ट करता है 28 मीटर लॉन्ग शेडो। ठीक है, उसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये 28 मीटर है, 28 मीटर। कह रहा है कि फिर एक और टॉवर है उसी टाइम पे, सेम टाइम पे एक और टॉवर है आगे। कह रहा है कहीं आगे कोई टॉवर होगा, ठीक है, तो उसकी भी उसकी शेडो बन रही है 28 मीटर की। कह रहा है कि उसकी लेंथ निकालो, ये निकालनी है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इन सबको मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने सोचा देखो, कोई जब ऐसे कोई वर्टिकल टॉवर होगा तो ऐसे जमीन पे तो सीधा ही खड़ा होगा, जैसे कोई जमीन है तो ऐसे ही खड़ा होगा टॉवर, तो ये तो 90 डिग्री होंगे दोनों। ठीक है, पोल और टॉवर तो सीधा खड़े होंगे ना, तो ये तो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरा हो गया कि जब देखो एक ही टाइम पे, आप देखो कभी भी एक ही टाइम पे जब सन किसी के ऊपर पड़ रहा हो ना, जैसे इसके ऊपर पड़ रहा है, तो उसका ना हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, मतलब इस एंगल ये वाला एंगल सेम होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेम टाइम कहा है दोनों का, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा इनका सेम टाइम। अगर सेम टाइम ना कहता ना, तो अगर सेम टाइम ना कहता तो सन कहीं और चला जाएगा, क्योंकि मतलब सन तो वहीं रहता है, हमारी अर्थ घूमती है, तो अर्थ घूमने के हिसाब से हमें लगेगा कि सन कहीं और है, तो सन यहाँ पे होगा, फिर ये वाला एंगल कुछ और हो जाएगा, ऐसे होएगा। तो सेम टाइम का है उसने, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये। ठीक है, सन ये यहाँ से सन को एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे सन को एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मेरे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो मेरे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर नहीं हो गया, क्योंकि दो एंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसको मैंने नाम दे दिया ABC और DEF। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखो एंगल, इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दिया एंगल। ठीक है, तो मैंने कहा एंगल 1 सबसे पहले लिखा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये लिखा मैंने, मुझे ये वाला निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने दिमाग में यही सोचा था कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूँ ना, प्रूफ इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूँ, तो मेरा क्या होगा, ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, क्योंकि हमारी साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो हमारी ये वाली साइड आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी, देखना कैसे आएगी। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एट सेम टाइम, यहाँ लिखेंगे एट सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सन आर इक्वल। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही टाइम पे, एट सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया हमारा। तो मेरा क्या आ गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, मेरा ये आ गया। मेरा ABC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल DEF आ गया, तो मैं क्या कहूँगा, ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली साइड, AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF, ये कह दूंगा मैं BC डिवाइड बाई EF। अब ये डिवाइड बाई ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा,
एस, ये देखो मैं इसको लिख भी देता हूँ, देखो AC डिवाइड बाय DF, ठीक है। पर मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा ना इन दोनों से काम हो जाएगा। देखो AB मुझे दिया हुआ है 6, DE मुझे दिया हुआ है, DE मुझे निकालना है, ठीक है, ये DE मुझे निकालना है, और BC मुझे दिया हुआ है 4, BC मुझे 4 दिया हुआ है, और EF मुझे 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा DE आ जाएगा, देखो DE कैसे आ जाएगा, DE इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना सबको, 4 इसके साथ चला जाएगा, 4 देखो DE मतलब मैंने DE को ऊपर भेज दिया, 28 को इधर ले गया, तो क्या आ गया, 4 इंटू में DE, 4 DE इज इक्वल टू 28 इंटू में 6, ठीक है। 28 इंटू में 6 क्या होगा, ये होगा हमारा 168, ठीक है, 168, 4 DE। अब DE क्या आ जाएगा हमारा, DE इज इक्वल टू 168, 4 नीचे ले आएंगे, डिवाइड बाय 4 आ गया हमारा, कितना आ जाएगा, 4 टू जा 4 सॉरी 4 4 जा 16, 4 टू जा 8, DE आ गया हमारा, DE इज इक्वल टू 42 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो मैंने AC और DF ये बता रहा था, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे इन दोनों से काम बन रहा था, इन दोनों से तो मैं इसको लिखूंगा ही क्यों, ठीक है। मेरे DE आ गया 42। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR। सबसे पहले इसने ट्रायंगल ABC और PQR का, तो मैं ये दो ट्रायंगल बना लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ABC और ये PQR, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया PQR, ठीक है। तो कह रहे कि इफ AD एंड PM आर मीडियंस, AD यहाँ A है तो यहाँ D होगा, ठीक है, A से D जोड़ दिया मैंने, AD, और PM है तो यहाँ M होगा, ठीक है, PM। कह रहा है कि AD एंड PM आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हैं ABC के और PQR के, ठीक है, कह रहा है रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है वेयर एज, कह रहा है वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हमें गिवन क्या है, गिवन दे रहा है हमारे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें सिमिलर हमें गिवन दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव करो, टू प्रूव है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। मैंने सोचा इसको कैसे प्रूव करूंगा, देखो AB बाय PQ, देखो ये वाली साइड बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, मतलब AD बाय PM। मैंने कहा कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर कर दूं, ये ABD और PQM, तो मेरा ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आ जाएगा, तो मतलब मेरी वाली ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आ जाएगा, मतलब AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय PM आ जाएगा, मुझे ये तो लाना। पर मैं ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर देता हूँ क्योंकि इनकी साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी, AB बाय PQ आ जाएगा इज इक्वल टू AD बाय PM आ जाएगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूंगा, तो ABD और PQM को, ठीक है। अब मैंने सोचा कि इनको कैसे सिमिलर करूँ, मैंने कहा कि मुझे दिया हुआ है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो मैं इससे क्या लिखूंगा, AB बाय PQ, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR, AC बाय PR, तो क्या हो जाएगा मेरा। अब देखो मैं ना इस वाले को लिखूंगा नहीं, इस वाली चीज को मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरा ना इन दोनों से काम बनेगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो इस वाले को मैं AC और PR को मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि मेरे को ये देखो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है इसके, तो इसमें तो कहीं AC और PR तो कहीं आई नहीं थी, तो मैं AC और PR को तो लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास आ गया AB बाय PQ, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR आ गया, ठीक है, BC में से हमें BD चाहिए और QR में से मुझे QM चाहिए, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि जो मीडियन होता है ना वो ट्रायंगल को टू पार्ट्स में बांट देता है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल को टू पार्ट्स में बांट देता है, और उनकी इसकी ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड हो जाती है और ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड हो जाती है, ठीक है। मीडियन की मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले ही बताई है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है और मैंने इसका ये मीडियन बना दिया, तो इस वाले पार्ट का एरिया इज इक्वल टू इस वाले पार्ट का एरिया हो जाता है और ये साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड हो जाती है, ठीक है, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR आ गया, अब मैं दोनों ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मैं 1/2 कर दूंगा, अगर मैं देखूँ ऊपर नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे एक्स और वाई दिए हुए हैं, तो मैं इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूँ, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो मैं ढंग से लिखता हूँ इसे, जैसे एक्स बाय वाई है, ठीक है, मैं इसके भी डिवाइड में ऐसे 2 लिख दूँ, इसके भी डिवाइड में ऐसे 2 लिख दूँ,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी इक्वल टू आंसर में एक्स बाय वाई आएगा, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर डिवाइड बाय नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर भी कैंसिल हो जाते हैं। अगर यहाँ भी एक्स होता तो एक्स से एक्स काट देता मैं, ठीक है, तो नीचे वाले से नीचे वाला कट गया तो आंसर क्या है, एक्स बाय वाई, तो मैं मतलब डिवाइड बाय टू कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ऊपर नीचे इसका डिवाइड बाय टू कर दूंगा बस, बी सी बाय टू अपॉन में क्यू आर बाय टू, बस मैंने इतना कर दिया। अब मैंने सोचा कि बी सी बाय टू क्या है, देखो बी सी बाय टू क्या है, बी सी पूरा ये है और इसका मैं हाफ कर दूँ तो बी डी नहीं आ जाएगा, बी डी क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ठीक है। अब मैंने इसका बी सी का हाफ कर दिया, जैसे देखो ना ये समझ लो कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ये पूरी साइड क्या होगी, बी सी क्या होगी, पूरी टू एक्स होगी, ठीक है, टू एक्स होगी, मैं टू एक्स को डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, मेरा एक ही साइड आ गई ना एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया खाली, एक्स की जगह मैंने बी डी लिख दिया, ठीक है, बी डी ऐसी क्यू आर डिवाइड बाय टू क्या हो जाएगा, क्यू एम, ठीक है, तो मेरा इतना तो आ गया। अब देखो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, मेरे को किसी तरह एक और कुछ मिल जाए तो मैं ना ये ट्रायंगल को सिमिलर कह दूंगा। फिर मैंने सोचा कि देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, एंगल भी तो सारे इक्वल होते हैं, जब दो ट्रायंगल इक्वल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर था ना, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो गया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो क्या हुआ। अब देखो ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम मेरा आ गया था, और मैं ये बीच वाला एंगल इक्वल ले आया, तो मेरा क्या हो गया, एस ए एस से सिमिलर नहीं हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एस ए एस से देखो एस से एस कैसे, देखो ये साइड एंगल फिर साइड, ये साइड फिर एंगल ये फिर साइड, तो एस ए एस से मेरा इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मुझे लाना क्या था, देखो ए बी वाई पी क्यू मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये वाले और ये वाले ट्रायंगल सिमिलर थे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो मैं क्या लिखूंगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, तो मेरा आ गया, मेरे को ये तो लाना था ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, मेरा आ गया, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये और ये तो इक्वल ही हुए, मेरा आ गया हैंस प्रूफ, ठीक है, तो हमारी होगी 6.3 तो खत्म बिल्कुल, ठीक है, तो गाइस थैंक यू।